Bismillahirrahmanirrahim. Today's session is all about the formulation of strategy to do CSS in 90 days. देखिए ये हम पे डिपेंड करता है. अगर हमें लगेगा हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे. अगर हमें लगेगा हमने एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अपना एक्ट करना है तो हम उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे. ये ह्यूमन नेचर है. अगर हमें लगेगा किसी चीज़ के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम उसको एक्सपैंड करते रहेंगे. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम नॉर्मल में 3 आवर्स गुजारते हैं हमें पता नहीं चलता, बट यही 3 घंटे अगर हम एग्ज़ाम मूड में दिए जाए तो वी कैन डू वंडर्स. सही है. सो जो है इसमें हमारी ओवरऑल जो मैटर करता है वो ये कि हम अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर आप अपने आप को कहोगे कि मेरे पास अभी पूरा साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो ये कभी भी नहीं होना. आप हमेशा अपने आप को मेरे पास एक रीज़नेबल टाइम है और मैंने इस रीज़नेबल टाइम में अपना प्रिपरेशन करनी है. फॉर इंस्टेंस फर्स्ट 3 मंथ्स आप ले लो जिसमें आपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है. नेक्स्ट 3 मंथ्स आप इवेल्यूएशन करवाओ, दैट्स सफिशेंट. जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा होगा. अच्छा, इस बारे में एलन मस्क ये कहता है अगर आपको लगे कि आपके पास एक काम करने के लिए 5 साल हैं तो आपने अपने माइंड को बाउंड किया कि वो 5 साल में ही होगा. बट अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे मैंने वही काम 1 साल में करना है तो ही सेड आई कैन गारंटी कि आप वो एक काम, सारा काम जो 5 साल वाला है वो 1 साल में करोगे. अच्छा, तो मैंने इससे रिलेटेड कोई 7-8 पॉइंट्स हैं सीएसएस से रिलेटेड जो कि मैंने इसको लिस्ट डाउन किए हैं कि मुझे लगता है कि इन 5-6 फैक्टर्स को आप कंसिडर करें तो आप अपनी प्रिपरेशन ईजिली 90 डेज में कवर अप कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड सिलेबस. अच्छा, सीएसएस का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका जो नॉलेज है ना, दैट्स वेरी स्कैटर्ड. यू कैन नॉट फाइंड इट इन अ हैंडी फॉर्म. लाइक इतना ज़्यादा कंक्लूडेड नहीं है कि ये आपको हाथ में दे दूँ कि बस इतना कर लो डैट्स ऑल. नहीं, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है. इट्स जस्ट लाइक एन ओशन. जैसे ही आप पाँव रखते हो आपको लगता है कि ये तो और गहरा गहरा, और सिर्फ पाँव रखने वाले को पता है उसकी गहराई. आम बंदे को नहीं पता होगा, वो इतना ही कहेगा बस ये तो 12 चैप्टर्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं, इसको करना कौन सा मुश्किल है. भाई नहीं, अगर इतना ही आसान हो तो हर कोई कर ले. ठीक है. सो सबसे पहली जो चीज़ है, हर सब्जेक्ट की आपने आउटलाइन सिलेबस देखना. सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पास पेपर पर रिलाई नहीं करना. मैं आपको मना नहीं करी कि आपने उसको देखना नहीं है. ऑब्वियसली फॉर रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो आपको उसको देखना पड़ेगा, बट डोंट रिलाई इंटायरली. अच्छा, दूसरी चीज़, आप देखिए एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से मैंने इतने सारे बैचेस कंडक्ट किए हैं, उसमें मैं देखती हूँ कि 99% लोगों ने एग्ज़ाम से ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होती है ना वो पेपर से पहले नहीं देखी. हाउ डू यू नो कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एक चीज़ आपको खुद नहीं पता. आप एग्ज़ामिनर से क्या, लाइक वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको खुद अपने बारे में नहीं पता. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्ज़ाम का फॉर्मेट देखें, वो आपसे क्या अंडरस्टैंड करता है, एक बर्ड आई व्यू लें, उसके बाद उन सिलेबस को डिटेल में कवर करें. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि मेक अ स्टडी प्लान. सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं होगा. प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करें. सिर्फ हवाई बातें होने से कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. स्टडी प्लान आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर इंस्टेंस डिवाइड योर इंटायर सिलेबस इन 3 पार्ट्स. मैंने ये बात काफ़ी दफ़ा आपको बताई है, ए बी सी कैटेगरी में, और फिर उसके अकॉर्डिंग करें. फॉर इंस्टेंस कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपने सब्जेक्टिव करना है, कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है, जैसे जर्नलिज्म वगैरह हो गया, साइकोलॉजी हो गया. अच्छा, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर. देखिए ये तो हर किसी का होता है और इस पेपर में हर कोई स्ट्रगल भी करता है. तो फॉर इंस्टेंस करंट अफेयर का आप स्टडी प्लान बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन कर लिया, दैट्स सफिशिएंट. वैसे तो ये वीडियो इट्स नॉट डेडिकेटेड फॉर द करंट अफेयर, बट फिर भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि आपने करंट अफेयर के पार्ट्स को करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया.
आपने हर फैक्टर को, हर टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद डिसाइड किया कि किस वाले टॉपिक का आपको पास्ट पता होना चाहिए, हिस्ट्री, किस वाले को जस्ट प्रेजेंट में काफ़ी है और किस वाले को फ्यूचर में। लाइक से एग्ज़ाम्पल से बात ज़्यादा समझ आती है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। लेट से हिस्ट्री में हम लोग कश्मीर इशू, फलस्तीन इशू और जो है यूक्रेन क्राइसिस, इस तरह की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारे लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी COVID-19 हो गया, ये पेंडेमिक से रिलेटेड करंट इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, अब कुछ होंगे फ्यूचर, उसका तो हमें नहीं पता ना, तो वो डेवलप होने में न्यूज़पेपर हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा जी। तीसरा, थर्ड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज फोकस ऑन द बेसिक्स। हमारी बेसिक्स इतनी वीक हैं कि हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी बेसिक्स को तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें। सिर्फ हवाई बातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेसिक्स पे काम करके अपना GK, अपनी इंग्लिश, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जार्गन करके आप उसकी फाउंडेशन बनाएं, उसके बाद नेक्स्ट करें। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यू आर एंड अप नोवेयर। अच्छा जी, नंबर 4 है, कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली रिपीट होते हैं क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो, बार बार बताने पड़ते हैं आपको। उसमें एक है कि फॉलो अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। ये नहीं है 1 घंटे आप, एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन एक भी नहीं। नो, यू मस्ट हैव कंसिस्टेंट रूटीन, स्टडी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन नहीं। देखिए, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी ये लोग एक प्रॉपर सेट रूटीन क्यों फॉलो करते हैं, ताकि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हों और अनफोर्सिबल सर्कमस्टांसेस भी हों तो हम रूटीन में 100% ना से 30-40-50% अपना डिलीवर करें। सही है। अच्छा, नंबर 5 पे है प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स। देखिए, प्रीवियस पेपर 5 ईयर 6 ईयर पेपर करना आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन मैं ये स्टार्ट में, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिलेबस से। सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, लेकिन पास्ट पेपर एनालिसिस की बेस पे, लेकिन एक्चुअल अटेम्प्ट भी करने हैं, सिर्फ उनको देख लेना काफ़ी नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ। नो, इट्स रॉन्ग अप्रोच। यू हैव एक्चुअली, यू नीड टू अटेम्प्ट विद योर ओन हैंड टाइमर के साथ। कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है, बट व्हेन इट कम्स टू जब वो उसे डिलीवर करने के लिए पेपर पे लेके आते हैं, दे आर एट फॉल्ट, उनसे नहीं होता। तो इसका बेस्ट वे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा, इन केस कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, तो सीक हेल्प। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ खुद करें। यू कैन यूट्यूब, यू कैन सी जो डिफरेंट मेंटोरिंग सेशन है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, यूट्यूब में फ्री सीरीज़ होती हैं वो देख सकते हैं, एक तो अभी आप देख भी रहे हैं हेल्प के लिए। इसी तरह से यू कैन, लाइक, आप अपने पीयर्स में अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपको हेल्प करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को इस तरह से अटेम्प्ट करें। फॉर इंस्टेंस, एक चीज़ में, एक सब्जेक्ट में मेरी ग्रिप है, जेंडर स्टडीज़, एसे, करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट वेयर आई एम गुड, मार्क्स की हद तक नहीं, एक्चुअली आई एम गुड। तो उसमें फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं आपको बेहतर बताऊंगी, एज़ कम्पेयर टू जिसमें आप मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं, आप मुझसे पूछ भी ले तो इट्स यूजलेस। सो अगर आपको कहीं ज़रूरत लगती है इवेल्युएशन की, कहीं पे भी मुझसे किसी से भी हेल्प लें, अंडरस्टैंड करें, अपने प्रॉब्लम को कंटेक्चुअलाइज करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज रिवीजन।